हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अपन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। उनके आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन कॉमन नेम पढ़ते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अपन किसे बोलते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप सी डब्ल्यू एच। ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिले, सी डब्ल्यू एच, या इसे आप ओपन करके भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O O H। द कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप C डबल H और C डबल बॉन्ड O O H आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या, R C डबल H और R C डबल बॉन्ड O O H। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कॉमन नेम। वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम का रूल क्या है, इसका कॉमन नेम किसके बेसिस पे दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि वो कहां से ऑब्टेन होते हैं, उसके बेसिस पे इनको कॉमन नेम दिया गया। जैसे एच सी डब्ल्यू एच, इसे क्या बोला गया, फॉर्मिक एसिड। क्यों बोला जाए फॉर्मिक एसिड, बिकॉज इट वाज ऑब्टेंड फ्रॉम स्टिंग ऑफ फॉर्मिका आंट। फॉर्मिका आंट जो होती है उसके स्टिंग में मिलता है। ऐसे ही सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। सिंस इट वॉज ऑब्टेंड फ्रॉम विनीगर, ये कहां से मिला था, विनीगर से मिला था, और विनीगर को लेटिन में क्या बोलते हैं, एसिटम। विनीगर का लेटिन नेम क्या होता है, एसिटम होता है। ऐसी और भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड अपन देखेंगे आगे, थ्री कार्बन का प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, सबके नेम सोर्स के बेसिस पे दिए गए, लेकिन यहां अपन इनका कॉमन नेम किसी दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। आप सोर्स भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन यहां पर एक ऐसा तरीका देखेंगे जिससे कई कंपाउंड के कॉमन नेम आपके इजीली हो जाएंगे, वो ट्रिक अपन देखेंगे। देखो किस तरह से लिखते हैं। वैसे तो सीधा सीधा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम जाता है किसके बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे, लेकिन यहां मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कई कंपाउंड के कॉमन नेम में आपको काम आएगी, कई क्या लगभग सभी कंपाउंड का कॉमन नेम इससे हो जाता है, बच गए उसके उसका भी बता देता है कि उसका किस तरह से होना चाहिए। देखो ध्यान दें, ट्रिक क्या है, द कंपाउंड्स हैविंग सी डबल बॉन्डो ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या मिलता है, सी डबल बॉन्डो ग्रुप मिलता है, ठीक है ना। स्पेशल नेम ऑफ कार्बन आर यूज्ड इन देयर कॉमन नेम, उनके कॉमन नेम में आप कार्बन का स्पेशल नेम यूज करते हैं। अब स्पेशल नेम किस तरह से होता है, देखो वन कार्बन का स्पेशल नेम आप क्या बोलते हैं, फोम। आप बोलोगे सर वन कार्बन को तो मैथ बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैथ ही बोलते हैं, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है जो आपको बता रहा हूँ, ये आपके कई जगह काम आएगा। आप देखेंगे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, एसिड क्लोराइड पढ़ेंगे, एसिडनहाइड्राइड पढ़ेंगे, एस्टर पढ़ेंगे, सब में ये ट्रिक आपको काम आएगी। जहां भी सी डबल बॉन्ड ग्रुप आएगा वहां कॉमन नेम में अपन स्पेशल नेम यूज करते हैं, एक्सेप्ट कीटोन। ये ध्यान रखिए कीटोन को छोड़ के, कीटोन क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे। कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड ग्रुप मिलता है, लेकिन वहां आप ये स्पेशल नेम यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा कहीं भी किसी भी कंपाउंड में, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, इसके अलावा किसी भी कंपाउंड में आपको सी डबल बॉन्ड ग्रुप दिख जाए वहां कॉमन नेम में आप क्या यूज करेंगे, स्पेशल नेम ऑफ कार्बन। किस तरह से, देखो वन कार्बन का स्पेशल नेम क्या होता है, फोम। ऐसे ही टू कार्बन का स्पेशल नेम क्या होता है, एसिड। थ्री कार्बन का स्पेशल नेम क्या होगा, प्रोपियोन।
ऐसे ही फोर कार्बन है इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। फाइव कार्बन है इसका स्पेशल नेम क्या होगा, वेलर। ऐसे ही ध्यान रखें आप, थ्री कार्बन और एक डबल बॉन्ड आ जाए, थ्री कार्बन प्लस वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसका स्पेशल नेम आप क्या बताते हैं, एक्रिल। ऐसे ही फोर कार्बन और एक डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड कहाँ है, सी टू सेकेंड कार्बन पे, उसे आप क्या बोलते हैं, क्रोटोन। तो ध्यान रखिए जहां भी सी डबल बॉन्ड ग्रुप आता है वहां आप स्पेशल नेम यूज करेंगे, किसको छोड़ के, कीटोन को छोड़ के। देखो कहां कहां ये काम आता है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताता हूँ आइडिया, सॉरी। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, कोई भी एग्जांपल लिख दिया कार्बोक्सिलिक का, क्या यहाँ स्पेशल नेम यूज होगा, बिल्कुल होगा, सी डबल बॉन्ड ग्रुप आ रहा है ना कॉमन नेम में। ऐसे मैंने लिख दिया एसिड क्लोराइड सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, क्या यहाँ स्पेशल नेम यूज होगा, बिल्कुल होगा, सी डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ये एस्टर लिख दिया मैंने, क्या यहाँ स्पेशल नेम यूज होगा, बिल्कुल होगा, ये एल्डिहाइड लिख दिया सी एस थ्री सी एच ओ, क्या यहाँ स्पेशल नेम यूज होगा, बिल्कुल होगा, ये मैंने लिख दिया कीटोन, क्या यहाँ स्पेशल नेम यूज होगा, यहाँ नहीं होगा, कीटोन में नहीं होता, बाकी कीटोन को छोड़ के जहां भी सी डबल बॉन्ड ग्रुप आपको दिख जाए वहां कॉमन नेम में स्पेशल नेम ऑफ कार्बन आप यूज लेते हैं। अब बात आ गई इनके अलावा, इनके अलावा जो भी होता है, जैसे आर वैच एल्कोहल, आर एन एच टू एमीन, आर एक्स एल्किल हैलाइड, इनके अलावा जो बच गए सी डबल बॉन्डो के अलावा जो बच गए वहां कॉमन नेम में क्या यूज करते हैं आप, एल्किल ग्रुप का नेम, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इस तरह। तो सीधी सीधी आप ये तीन लाइनें हैं जो आपको सभी कंपाउंड का कॉमन नेम आप इसकी हेल्प से आप आराम से करते हैं, जहां भी सी डबल बॉन्डो ग्रुप के लिए वहां तो क्या लिखना है, स्पेशल नेम एक्सेप्ट कीटोन, अदरवाइज क्या लिखेंगे, एल्किल ग्रुप का नेम। कॉमन में दो ही चीज काम आपकी आएगी, या तो एल्किल ग्रुप का नेम या स्पेशल नेम। तो स्पेशल नेम कहाँ यूज करेंगे, जहां आपको सी डबल बॉन्ड ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को छोड़ के। उसके अलावा जहां भी सी डबल बॉन्ड ग्रुप जहां नहीं मिलेगा वहां आप क्या लिखेंगे, एल्किल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए अपन देखते हैं आगे, वैसे तो सबके रूल है कि जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करने पे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, उसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप सीधा शॉर्टकट में आप ध्यान रखें कि जहां भी सी डबल बॉन्ड ग्रुप मिलेगा वहां आपको स्पेशल नेम यूज कर रहे हैं छोड़ के कीटोन को, और लास्ट में क्या लगाना है। अब यहां देखो कार्बोक्सिलिक है, स्पेशल नेम यूज करेंगे लास्ट में, कुछ लगाएंगे भी सफिक्स, तो कार्बोक्सिलिक का कॉमन नेम आप किस तरह से लिखते हैं, स्पेशल नेम ऑफ कार्बन और लास्ट में क्या लगा देते हैं, इक एसिड, लास्ट में आप क्या लगा देते हैं, इक एसिड। जैसे एग्जांपल से अपन देखते हैं, देखिए इधर HCWH, अब आपको ये ध्यान रखना है CO जहां आ गया, CO का मतलब वो C डबल बॉन्ड O ही होता है, वो हर जगह आपको ऐसे खोल के नहीं देगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखना है, स्पेशल नेम ऑफ कार्बन, लास्ट में एक कितने कार्बन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वन कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखे, फॉर्म, लास्ट में क्या लिख दे, एक एसिड, तो इसका नेम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। हालांकि इनका कुछ का मैं सोर्स भी लिख रहा हूँ क्योंकि सोर्स इंपॉर्टेंट होता है, वो आपसे पूछ ले अपन मार्क में, तो ये मिलता कहाँ से, ये ब्रैकेट में मैं सोर्स लिख रहा हूँ, फॉर्मिका आंट स्टिंग, फॉर्मिका आंट के स्टिंग में, आंट कीड़ी होती है ना, उसके स्टिंग में मिलेगा, स्टिंग मतलब उसके डंक में मिलेगा ही, चींटी आपको काट जाती है, कीड़ी भी आप बोलते हैं देसी भाषा में से, चींटी का जो डंक होगा, चींटी आपको काटती है तो कौन सा एसिड वो छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, ठीक है ना। उसका नाम क्या था, फॉर्मिका आंट होता है, तो फॉर्मिका आंट से मिला था इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड दिया। लेकिन वैसे आप सीधा आपको पता है स्पेशल नेम ऑफ कार्बन लास्ट में एसिड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, जैसे CH3COH, क्या नेम इसका होना चाहिए, कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, टू कार्बन, क्या लिखें, एसिड, लास्ट में एक एसिड, एसिटिक एसिड,
और वैसे इसका सोर्स क्या होता है, विनीगर होता है, विनीगर सबको पता है, विनीगर चाउमीन वगैरह बनाते हो तो उसमें डालते हैं ना व्हाइट जूस सा, वो विनीगर होता है। विनीगर को लेटिन में आप क्या बोलते हैं, लेटिन नेम इसका होता है एसिटम, इसलिए इसे क्या बोला गया, एसिटिक एसिड। वैसे आपको पता है सीधा ट्रिक के थ्रू अपन कर रहे हैं, ऐसी और देखते हैं अपन। देखो थ्री कार्बन का आ जाए, CH3 CH2 CWH, थ्री कार्बन है, थ्री कार्बन का स्पेशल नेम क्या होगा, प्रोपियोन। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यूज कब करना है, हर जगह यूज नहीं करते, कॉमन नेम में यूज करना है, और कॉमन नेम में भी कहां, जहां सी डबल बॉन्ड ग्रुप आपको दिखाई दे। तो आप देख रहे हैं थ्री कार्बन है प्रोपियोन, लास्ट में क्या लगा दे, इक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड। वैसे इसका सोर्स क्या था, फैट था, फैट में मिलता था ये, और फैट को ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन में क्या बोलते हैं, इसका लैटिन नेम क्या होता है, प्रोपियोन। ऐसे अपन और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CWH, फोर कार्बन है, फोर कार्बन का स्पेशल नेम क्या है, ब्यूटाइल। ये दिखाई दे रहा है आपको, लास्ट में क्या लगा दें, इक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। और वैसे इसका सोर्स क्या होता है, बटर, बटर में मिलता है ये, और बटर को लेटिन में क्या बोलते हैं, ब्यूटायरम। ऐसे ही CH3 CH2 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 CWH, क्या बोले, कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे, फाइव कार्बन, सी डबल बॉन्ड आ रहा है, स्पेशल नेम यूज होगा वेलेर, लास्ट में एक वेलेरिक एसिड। और वैसे इसका सोर्स क्या होता है, वेलेरिन प्लांट की रूट में मिलता है, वेलेरिन प्लांट होता है उसकी रूट में मिलता है, वेलेरिन प्लांट रूट। ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CWH, थ्री कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ग्रुप आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो थ्री कार्बन प्लस वन डबल बॉन्ड एक्रिल, लास्ट में क्या लिखा देते हैं आप, इक एसिड, एक्रिलिक एसिड। ऐसे एग्जांपल और, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CWH, फोर कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन आप एक चीज विशेष ध्यान रखना है, फोर कार्बन लेकिन डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे आना चाहिए, टू नंबर कार्बन पे आना चाहिए तभी लिखेंगे। आप बोले सर वन पे आ जाए तो वन पे तो आ ही नहीं सकता, वन तो ये होगा इधर आ सकता है, यहाँ यहाँ यदि मान लो आ जाए तो वहां उसका नेम क्रोटोन नहीं होगा, फिर वहां उसका यूपीएससी नेम लिखा देगा। तो देखिए आप, फोर कार्बन और डबल बॉन्ड C2 सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या लिखते हैं, क्रोटोन, लास्ट में एक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। तो आप बता सकते हैं सीधा सीधा कि कॉमन नेम कैसे लिखें कार्बोक्सिलिक एसिड का, स्पेशल नेम ऑफ कार्बन, लास्ट में आप क्या लगा देते हैं, एक एसिड। स्पेशल नेम ध्यान रखिए, वन कार्बन का स्पेशल नेम फोम होता है, टू का जी, एक बार आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न क्या, दो तीन बार आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। फिर एक काम कितनी जगह आता है, देखो एल्डिहाइड में ये काम आएगा, एस्टर में काम आएगा, ये एसिड एमाइड में काम आएगा, कई जगह आपके काम आएगा, तो अपन पढ़ेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे काम में आएगा। एक बार आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जहां भी सी डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पर क्या यूज करते हैं, स्पेशल है? नेम। तो कार्बोक्सिलिक में सी डबल बॉन्ड ग्रुप मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड OH, और जनरल फॉर्मूला आर सी डब्ल्यू जी आर सी डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ स्पेशल नेम ऑफ कार्बन, लास्ट में आप क्या लगा देते हैं, एक एसिड। अब आगे अपन देखें, सपोज कोई ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, वैसे तो ब्रांच वगैरह आ जाए तो अपन IUPAC नेम को ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अपन कॉमन भी लिख सकते हैं, उसका ध्यान दें, एक आध कोई सब्सटेंट है तो अपन उसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन, उसे अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, उससे अगला होता है उसे क्या बोलते हैं, बीटा,
ऐसी उससे अगला तो उसे क्या बोलते हैं गामा। अब सपोज ध्यान दे आपके पास एग्जांपल आ गया ये CH3CH CH3 CWH। अब यदि ये ग्रुप नहीं होता तो इसका नेम क्या साफ साफ को दिखाई दे रहा, प्रोपियोनिक एसिड थ्री कार्बन का है ना। अब ये अल्फा कार्बन, अल्फा पे क्या जुड़ा है सब्सटेंट मिथाइल, तो इसका नेम लिखते सब्सटेंट का अल्फा मिथाइल। IUPAC में नंबरिंग यूज करते हैं, यहाँ कॉमन में अल्फा बीटा अपन यूज करेंगे, ठीक है ना। हालांकि ब्रांच जो कंपाउंड होते हैं वहां पर IUPAC नेम को ही प्रायोरिटी देते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अल्फा मिथाइल थ्री कार्बन है प्रोपियोन, लास्ट में एक एसिड प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड इसका एक दूसरे तरीके से अपन और कर सकते हैं नेम, देखिए कैसे। टोटल कार्बन कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, फोर कार्बन दिखाई दे रहे हैं टोटल है, टोटल फोर कार्बन नहीं है गए, फोर कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये ग्रुप आता तो क्या लगता है आइसो, हमने पढ़ रखा है ये ग्रुप आता तो कॉमन नेम में क्या लगता है आइसो लगता है ना, तो इसका नेम आप सीधा लिख सकते हैं आइसो ब्यूटायरिक एसिड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसी सपोज एक एग्जांपल अपन और देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा ये बीटा हो गया, बीटा पे क्या जुड़ा है क्लोरो, बीटा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। इसके बाद आगे अपन देखोगे, आगे अपन क्या देखेंगे कॉमन नेम ऑफ सम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें दो CWH ग्रुप हो, तो कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का अपन कॉमन नेम देखते हैं तो ज्यादा आपके यूज में आते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट कंपाउंड आपके पास आ गया CWH, भाई डाई कार्बोक्सिलिक मतलब दो CWH ग्रुप होंगे, ये फर्स्ट कंपाउंड आपके पास है। ऐसे सेकेंड ये कंपाउंड आपके सामने आ गया, ऐसे नेक्स्ट CH2 होल ट्वाइस CWH ये कंपाउंड आपके सामने आ गया, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड ट्वेल्थ क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं वो आपके तभी क्लियर हो पाते हैं कि आपको IUPAC नेम और नेम से फॉर्मूला लिखना आता है तभी। देखो इसका नेम क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे इसका होता है मेलोनिक एसिड, इसका होता है सक्सिनिक एसिड, नेक्स्ट कंपाउंड का होगा ग्लूटेरिक एसिड, और लास्ट इसका होगा एडिपिक एसिड। आप बोलोगे सर आपको तो याद है, हम कैसे इसे लर्न कर रहे हैं, तो देखो इसकी ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 0 1 2 3 4 विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मीन्स दो CWH ग्रुप तो है ही, ये तो क्लियर है। ओ मीन्स ऑक्सैलिक एसिड, ए मीन्स मेलोनिक एसिड, एस मीन्स सक्सिनिक एसिड, जी मीन्स ग्लूटेरिक एसिड, और लास्ट ए मीन्स एडिपिक एसिड। 0 1 2 3 4 पहले वाले में 0 CH2 मतलब कोई CH2 नहीं आप देख रहे हैं, नेक्स्ट में 1 CH2, अगले में 2 CH2, अगले में 3 CH2, लास्ट वाले में 4 CH2। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में दो CWH ग्रुप है तो क्लियर ही है, पहले वाले में कोई CH2 नहीं लगाया, अगले में 1 CH2 लगा दिया, अगले में 2 CH2 लगा दिया, अगले में 3 CH2 लगा दिया, अगले में 4 CH2। ओम श्री गणेश, इसे आप इसे लर्न कर सकते हैं कॉमन नेम ऑफ सम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
आगे अपन देखते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो आईयूपीएसी नेम जब किसी भी कंपाउंड का अपन लिखते हैं तो पेरेंट कार्बन चैन का नेम लिख के लास्ट में कुछ सफिक्स लगता है। अब सफिक्स क्या लगाएं अगला फंक्शनल ग्रुप खुद ही बताता है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम में सफिक्स लगता है ओ और एक ओइक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम में क्या लगेगा सफिक्स है? सफिक्स मतलब जो नेम के लास्ट में लगता है ओइक एसिड। बस फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगता है, बाकी सब वही उसी तरीके से चलेगा जैसे आप इसे करते आए हैं, जैसे आपने एल्केन में देखा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम अपन किस तरह से लिखते हैं? एट फर्स्ट जितने कार्बन उसके रेफरेंस में एल्केन का नेम, पेरेंट कार्बन चेन में जितने कार्बन उसके रेफरेंस में एल्केन का नेम, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन इस तरह से, और ई हटा के लास्ट में क्या लगाते हैं ओइक एसिड। तो नेम क्या हो गया एल्केनोइक एसिड, जैसे मेथेनोइक एथेनोइक प्रोपेनोइक इस तरह से चलेगा। अब बात है लॉन्ग ब्रांच चेन आ जाए तो अपन क्या बताते हैं? देखो इन केस ऑफ लॉन्ग ब्रांच कार्बन चेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग सी डब्ल्यू एच ग्रुप। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सी डब्ल्यू एच ग्रुप आता हो। कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी वजह से? सी डब्ल्यू एच की वजह से, तो सी डब्ल्यू एच को चेन में लेना जरूरी है। नंबरिंग आप इस तरह से करेंगे, कैसे? नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इज डन इन सच ए वे दैट कार्बन एटम ऑफ सी डब्ल्यू एच ग्रुप गेट्स लोएस्ट नंबर। सी डब्ल्यू एच का जो कार्बन है उसे लोएस्ट नंबर मिले, ध्यान देना। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का आईपीसी नेम जो अपन लिखते हैं, तो यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तब तो उस कार्बन को चेन में लेना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए OH आप आगे पढ़ोगे, एल्कोहल पढ़ोगे, OH में तो कार्बन नहीं है ना, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को चैन में लेना जरूरी होता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ ये सी डब्ल्यू जिसमें तो सी इसको लोवेस्ट नंबर देंगे। अब OH में मान लीजिए कार्बन तो है नहीं, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको लोवेस्ट नंबर देना होता है। आगे अपन पढ़ेंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एक बार पहले भी। तो ये ध्यान रखिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी नेम लिखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करें जिसमें सी डब्ल्यू ग्रुप आता है। नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि सी डब्ल्यू का जो सी से लोवेस्ट नंबर मिलेगा, बाकी रूल सब वही होते हैं। चैन आपने सेलेक्ट कर दी, चैन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग भी दे दी। जब नेम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में विथ पोजिशन, पोजीशन भी बताएंगे उसकी। सेम सब्सटेंट आ जाए तो डाइट्राई अपन यूज करते हैं, यूजिंग डाइट्राई। उसके बाद पेरेंट कार्बन चैन का नेम अपन लिखते हैं, जो चैन आपने सेलेक्ट कर रखी है पेरेंट उसका नेम, पेरेंट कार्बन चैन नेम, जैसे एथ प्रो ब्यूट इस तरह से आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल आ जाए तो एन लगाएंगे, और लास्ट में क्या लगाते हैं ओइक एसिड, ठीक है ना। अब यहां ध्यान रखिए ऐसे नहीं एथ और ओइक, एथोइक ऐसे नहीं बोलेंगे आप, सिंगल बॉन्ड है तो एथेनोइक प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यदि आ जाए, सपोज अपन एग्जांपल से करेंगे प्रोप, फिर डबल बॉन्ड यदि आ गया तो एन तो लगा नहीं सकते, ई लगाना पड़ेगा ना। प्रोप के साथ क्या लगेंगे एन, और इनकी पोजिशन भी बताओ लास्ट में क्या लगाएंगे ओइक एसिड। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ओपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल एच सी डब्ल्यू एच, फॉर्मिक एसिड, अब इसका हाई नेम फॉर्मिक एसिड वो कॉमन नेम था,
अब अपन आईपीसी नेम देखें, कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? वन कार्बन, तो क्या लिखें? मैथेन। और ई हटा के ओइक तो क्या हो जाएगा? मैथेनोइक एसिड। ऐसी और एग्जांपल आपको दिख रहा है CH3COOH, कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? टू कार्बन, क्या लिखे? एथ। और कार्बन कार्बन के बिटवीन तो सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो एथेन। ई हटा के क्या लग जाएगा? ओइक, एथेनोइक एसिड। ऐसे ही CH3CH2COOH, कितने कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ थ्री। और कार्बन कार्बन बिटवीन तो सिंगल बॉन्ड ही, यहाँ एन लगा के दे चाहे नहीं लगा दे, ओबीएस सही बॉन्ड होता है। प्रोपेन, ई हटा के क्या हो गया? ओइक, प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे आपके सामने आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, नंबरिंग किधर से करें? डबल बॉन्ड की साइड से, फंक्शनल ग्रुप की साइड से? फंक्शनल ग्रुप की साइड से करेंगे। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर आप देंगे 1, 2, 3। अब यहाँ प्रोपेन नहीं लिख सकते क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, तो प्रोप ही लिखेंगे। प्रोप, एन की जगह क्या लगेगा? इन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है ना, साफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो प्रोप इन। अब इन कितने नंबर पे आ रहा है? टू पे। प्रोप टू इन। ओइक कितने नंबर पे आ रहा है? वन पे, तो वन ओइक एसिड। ऐसी एग्जांपल आपके सामने है, एक और ले रहा हूं डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल, क्रोटोनिक एसिड जो देखा था आपने, कॉमन नेम इसका क्रोटोनिक एसिड था। 1, 2, 3, 4 फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को प्रायोरिटी दी आपने नंबरिंग में। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, एन लगा नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ब्यूट टू इन। ओइक कहां पे है? 1 पे, तो ब्यूट टू इन 1 ओइक एसिड। एक मैं सब्सटेंट का एग्जांपल भी ले लेता हूं, जैसे CH3CH CH3COOH, तो ये चेन आपकी सेलेक्ट होगी। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर आप देंगे। 2 पे सब्सटेंट है मिथाइल, 2-मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो इन प्रोपेन, लास्ट में ओइक, प्रोपेनोइक एसिड। कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स का अपन आईपीसी नेम देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल में यदि अपन स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो कितने कार्बन की जाती है? 1, 2, 3 कार्बन की जाती है। लेकिन यदि आप इस तरह से चेन सेलेक्ट करें, ये चेन यदि आप सेलेक्ट करते हैं, 4 कार्बन की गई, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन चेन में आना चाहिए, ध्यान रखें। 1, 2, 3, 4 2 पे सब्सटेंट है कौन? मिथाइल, 2-मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेन, लास्ट में क्या लगेगा? ओइक, ब्यूटेन ओइक एसिड। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। स्ट्रेट चेन आपके सिलेक्ट हो गई लॉन्गेस्ट, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन लॉन्गेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 सब्सटेंट 2 पे है, 3 पे, 2, 3 डाइमिथाइल। ब्यूटेन, लास्ट में क्या लगा देंगे? ओइक, ब्यूटेन ओइक एसिड। ऐसे यहाँ पर आए 2 COOH, कॉमन नेम इनके आपने देखे थे, ऑक्सैलिक, मेलानिक, सक्सेनिक। आईपीसी नेम देखते हैं, 2 कार्बन की चेन सेलेक्ट होगी, 1, 2 एथेन। ओइक कहाँ कहाँ है? 1 और 2 पे, तो एथेन 1, 2 डाइओइक एसिड। ऐसे अपन यहाँ एक आपकी कार्बन चेन सेलेक्ट होगी 3 कार्बन की, 1, 2, 3 प्रोपेन। ओइक कहाँ कहाँ पे है? 1 और 3 पे, तो प्रोपेन 1, 3 डाइओइक एसिड। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन, ओइक कहाँ कहाँ पे है? 1, 4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन, वही कहाँ कहाँ पे 1 और 5 पे, पेंटेन 1, 5 डायोइक एसिड। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स कार्बन है हेक्सेन, वही कहाँ कहाँ पे 1 और 6 पे 1, 6 डायोइक एसिड। एग्जाम में किस तरह से पूछ लेते हैं, जैसे इसका कॉमन देके पूछ लिया कि ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम लिखो, तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला लिखे, फिर आईपीसी नेम लिखे। ऐसे ही इसका कॉमन नेम क्या था, एडिपिक एसिड था, कि एडिपिक एसिड का आईयूपीएसी नेम आप लिखिए, तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला आप ओम्स रिग्नेसा वाले फॉर्मूला से दिमाग में रख सकते हैं, फिर आईपीसी नेम आप लिख देंगे।